खेत में गई महिला को जहरीले सांप ने काटा, झाड़ फूंक के चक्कर में गई जान। दुर्गावती थाना क्षेत्र के आदर्श नुआव गांव में खेत में गई महिला को एक जहरीले सांप ने काट लिया, जहां झाड़ फूंक के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला दुर्गावती थाना क्षेत्र के आदर्श नुआव गांव निवासी चिरपुर धोबी की 62 वर्षीय पत्नी हसीना बेगम बताई गई है। बताया जाता है कि हसीना बेगम कल शाम को खेत में किसी काम से गई हुई थी, उसके पैर में कुछ काट लिया। बुजुर्ग और अंधेरा होने के कारण महिला को कुछ दिखाई नहीं दिया। जब महिला घर आकर परिजनों से कही तो परिजनों ने देखा महिला को सांप ने काटा है, जिसके बाद वो सब घरेलू उपचार करने लगे। उसके बाद भी महिला की स्थिति बिगड़ने लगी तो परिजन अस्पताल ले जाने के बजाय उसे झाड़ फूंक करवाने के लिए ले गए और रात भर झाड़ फूंक के चक्कर में ही रह गए और सुबह घर लेकर चले गए। लेकिन फिर भी महिला की स्थिति में सुधार नहीं हुई तो अंत में महिला को नुआव के निजी क्लिनिक में ले गए, जहां से महिला को गंभीर हालत देखते हुए रेफर कर दिया गया। नहीं जाए जा सदर अस्पताल में का करे पोस्टमार्टम के कर हसीना बेगम का का भैरल है कीड़ा काट लेल सा तब हमारी माता रही हाँ का भैल सांप काट लेल है फिर लेकर रही डॉक्टरी में कहा डॉक्टरी में लेकर रही ले तरी चंदौली इलाज करावे तो रास्ते में अथवा हो गल मर गई तो हम लेके दुर्गावती थाना आईली। हाँ। थाना से अथवा रिपोर्ट करा के फिर सदर अस्पताल में यहाँ आईली। का करे पोस्टमार्टम इनकर का नाम रहा एकर उनकर मृतक के का नाम रहा हसीना बेगम उनकर पति के नाम चिरकुट धोबी घर कहाँ उनकर रहा नुआ थाना दुर्गावती आपके का लागत रही है वो माता जी आपके का नाम है अमीन धोबी आपके हैं उनकर उनका लड़का है आपके कहाँ घर बा नुआ। कैमूर न्यूज के लिए दुर्गावती से सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।